हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए मैं पांचवा इकाई लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, अनुपात समानुपात, जिसका लेक्चर दूसरा हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर दूसरा हेडिंग, इसके पहले आपको याद होगा मैंने पहला हेडिंग लिया था खंडित से सम्मिलित अनुपात बनाना। आज मैं हेडिंग ले रहा हूं अनुपाती मान ज्ञात करना। अनुपाती मान ज्ञात करना बहुत ही बेसिक हेडिंग है, अभी इंट्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है। अनुपाती मान ज्ञात करना आपके सहूलियत के लिए इसे मैं दो पार्ट में अलग किए दे रहा हूं। सबसे पहला मैंने लिखा है जब दो संख्याएं दी गई हो, जब दो संख्याएं दी गई हो, और दूसरा होगा जब तीन संख्याएं दी गई हो, जब तीन संख्याएं दी गई हो। अच्छा, प्रश्न के नेचर, पूछे जाने के तरीके और हल करने के तरीके, इन सब में कोई फर्क नहीं है। जैसा यहां हल करेंगे वैसा ही यहां पर भी, बस आपके कैलकुलेशन में सहूलियत के लिए मैंने इसको दो सेक्शन में अलग किया है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि समानुपात क्या होता है, समानुपात का डेफिनेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा समझे रहेंगे तो बेटर होगा। अभी मैं प्रश्न की चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। अब मेरे बात को समझिएगा, जैसे ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। बराबर मीन्स समान है, मतलब ये ए अनुपात बी, यह अनुपात सी अनुपात डी, ये दोनों अनुपात समान है। बराबर मतलब समान, और जब दोनों अनुपात समान है तो इसे समानुपात कहते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी, सी अनुपात डी का मतलब सी बटे डी, और ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा गुणा। तो ए का गुणा डी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी, और इधर बी का गुणा सी में कितना हो जाएगा, बी सी। इसका मतलब यदि पदे समानुपाती है, और पदे समानुपाती कब होती है, जब दो अनुपात बराबर हो। जैसे ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है तो ऐसे पद को समानुपाती पद कहते हैं, और समानुपाती पदों में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। तो अनुपाती मान ज्ञात करना, जब इससे प्रश्न बनेगा तो जो या तो दो संख्याएं दी गई होंगी या तो तीन संख्याएं दी गई होंगी। अच्छा, जब दो संख्याएं दी गई होंगी तो या तो आपसे प्रथमानुपाती पूछेगा, या मध्यमानुपाती पूछेगा, या तृतीयानुपाती पूछेगा। मतलब दो संख्याएं दी गई होंगी तो प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती, मतलब मैक्सिमम तृतीयानुपाती तक पूछेगा। और जब तीन संख्याएं दी गई होंगी तो या तो आपसे प्रथमानुपाती पूछेगा, अब मध्यभाग हट जाएगा, या तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, या फिर चतुर्थानुपाती। मतलब दो संख्याएं दी गई होंगी तो मैक्सिमम तृतीयानुपाती तक पूछेगा, और तीन संख्याएं दी गई होंगी तो मैक्सिमम चतुर्थानुपाती तक। अच्छा, ये तो नहीं सोचे हैं चार संख्याएं दी गई होंगी तो क्या पूछेगा, क्योंकि जब चार संख्याएं दी गई होंगी तो पूछेगा क्या, तब तो सभी पता रहेगा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। जब चारों अनुपात, ये चारों दिया रहेगा तब आपसे कोई अनुपात नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि तब सब विजिबल होते हैं। अच्छा, ये तो नहीं सोचे है एक संख्या दिया गया हो तब क्या पूछेगा, तब कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो या तो दो संख्याएं दी गई होंगी या तीन संख्याएं। अब बात समझिएगा, मैं पहले दो संख्याओं पर दिए गए कुछ उदाहरण को हल करा रहा हूं। जैसे मैंने प्रश्न ये लिखा 18 और 8, हमने आपसे पूछा कि इसका मध्यमानुपाती क्या होगा। मध्यमानुपाती को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मध्यमानुपाती क्या होगा। अच्छा देखिए, आपको कोई सूत्र नहीं याद करना है कि मध्यमानुपाती बी स्क्वायर बराबर ए सी होता, कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ध्यान देना।
देखिए जो भी अनुपाती मान पूछा जाए पहले उसके लिए कुछ मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं। चलिए मैंने ये मान लिया कि मध्यमानुपाती एक्स है, ध्यान देना हमने माना मध्यमानुपाती एक्स है, हमने माना कि मध्यमानुपाती क्या है एक्स। अब एक्स को कहां पर रखेंगे, मध्य में। यक्ष को कहां रखेंगे, मध्य में। किसके मध्य में, 18 और 8 के, मतलब पहले 18 लिख देना और मध्य में एक्स लिख देना और इसके बाद कितना, 8। अच्छा यदि प्रथमानुपाती पूछा गया होता तो यक्ष को पहले पर रखते, तब यक्ष पहले पर रखते और फिर किसको रखते, 18 और फिर किसको रखते, 8। और यदि हमसे तृतीयानुपाती पूछा गया होता तो यक्ष को तीसरे पर रखा जाता, मतलब पहले 18 और फिर 8 और तीसरे पर, मतलब जो भी अनुपाती मान पूछा जाए एक्स को वहीं पर उठा के रख दीजिए। हमसे 18 और 8 का मध्यमानुपाती पूछा है तो यक्ष को कहां रख दे, मध्य में। किसके, 18 और 8 के। अब इसको समानुपात बनाना, समानुपात मतलब क्या, समानुपात कब होता है, जब दो अनुपात बराबर होते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो जब इसको समानुपात बनाएंगे तो समानुपात बनाने के लिए चार संख्या की जरूरत होती है, ए बी सी डी, यहां तो तीन ही है। तो समानुपात कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्रारंभ के दो अनुपात बराबर लास्ट के दो अनुपात, मतलब ये पहले दो अनुपात को बराबर दिखाना है लास्ट के दो अनुपात, पहले दो अनुपात को किसके बराबर दिखाना है, लास्ट के दो अनुपात। तो पहला दो अनुपात कौन सा, 18 और एक्स, तो 18 अनुपात यक्ष बराबर होगा किसके, अंतिम के दो अनुपात, मतलब यक्ष अनुपात 8। बात समझे कि नहीं, प्रारंभ के दो अनुपात 18 अनुपात यक्ष बराबर अंतिम के दो अनुपात यक्ष अनुपात 8। अब ए अनुपात बी बराबर हो गया सी अनुपात डी, और ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो वाह पद का गुणनफल ए का गुणा डी में ए डी बराबर अंतः पदों का गुणनफल बी का गुणा सी में बी सी। तो अब इसी तरीके से बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, तो अब अंदर का गुणा अंदर गुणा करें तो यक्ष का गुणा यक्ष में कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर, और बाहर का गुणा बाहर 18 का गुणा 8 में 18 अठे कितना, 144। अच्छा इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर बना लीजिए, तो ये 12 का स्क्वायर बनेगा, मतलब यक्ष स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो यक्ष बराबर कितना गया, 12। तो अब आप बात समझ गए कि इसका मध्यमानुपाती क्या होगा, 12। मतलब आपको कोई सूत्र ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो भी अनुपाती मान पूछा जाए उसके लिए यक्ष मान लीजिए। जैसे एक सवाल में और लिख रहा हूं, जैसे हमने आपसे यह पूछा कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा, अच्छा तृतीयानुपाती पूछा है, बेसिक हेडिंग है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती हमने माना यक्ष है, हमने माना कि जो तृतीयानुपाती है वो यक्ष है। अब यक्ष को तीसरे पर रखना, एक्स को कहां रखना, तीसरे पर, मतलब पहले 12 लिखेंगे तब लिखेंगे 30 और तब लिखेंगे एक्स। अब देखिए तृतीयानुपाती यक्ष है तो पहले 12 फिर 30 फिर एक्स। अब आपको इसको क्या करना है, समानुपात बनाना है, और समानुपात बनाने के लिए चार संख्या ए बी सी डी की जरूरत पड़ेगी, यहां तो तीन ही है। तो समानुपात आप सबको पता है कैसे बनाते हैं, प्रारंभ के दो अनुपात बराबर लास्ट के दो अनुपात। तो प्रारंभ के दो अनुपात कौन सा, 12 अनुपात 30 हो जाएगा, 12 अनुपात 30, और ये बराबर हो जाएगा अंतिम के दो अनुपात, तो अंतिम का 30 है और यक्ष है तो 30 अनुपात यक्ष। अब ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, ऐसे स्थिति में बाहर का गुणा बाहर बराबर अंदर का गुणा अंदर, तो बाहर का गुणा बाहर, तो 12 का गुणा यक्ष में 12 यक्ष हो गया बराबर अंदर का गुणा अंदर, 30 का गुणा किस में, 30 में। अच्छा गुणा करके 900 नहीं लिखना, अब यक्ष का मान पूछा है तो 12 गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 30 गुणा 30 और बटे 12, तो ये 6 पंचे 30 और 6 दुना 12,
और ये दो से कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में, तो 15 का गुणा 5 में कितना आएगा 75, तो इसका तृतीयानुपाती क्या है 75। तो बात समझ रहे कि नहीं। और यदि प्रथमानुपाती पूछा होता तो यक्ष को पहले पर रखते, फिर 12, फिर 30, फिर प्रारंभ के दो अनुपात बराबर अंतिम के दो अनुपात। अच्छा, इसी तरीके से तीन संख्याएं दी गई होंगी तो देखिए दो संख्याओं का तो मध्य होता है, अतः मध्यमानुपाती पूछता है, लेकिन तीन संख्या दी गई होगी तो या तो प्रथमानुपाती पूछेगा या द्वितीयानुपाती या तृतीयानुपाती या फिर चतुर्थानुपाती, तब मध्यमा हट जाता है। एक सवाल तीन संख्या पर भी देख लेते हैं, होता तो आसान है लेकिन समझे रहे। चलिए मैं यहां से एक प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा 8, 24 और 36, इसका हमने आपसे पूछा कि चतुर्थानुपाती क्या होगा। अच्छा, जो भी अनुपाती मान पूछा गया है उसके लिए यक्ष मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया चतुर्थानुपाती यक्ष है, चतुर्थानुपाती क्या है एक्स। अच्छा, जब चतुर्थानुपाती यक्ष है तो यक्ष को चौथे पर रख दीजिए। यक्ष को कहां रखेंगे, चौथे पर, मतलब पहले पर 8 रखेंगे, दूसरे पर 24 है 24 रखेंगे, तीसरे पर 36 है 36 रखें, लेकिन चौथे वाले प्लेस पर किसको रखें, एक्स को। अब आपको बस समानुपात बनाना है, और समानुपात मतलब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, मतलब चार संख्याओं की जरूरत पड़ेगी और यहां ऑलरेडी चार है, अतः आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, प्रारंभ के दो अनुपात बराबर लास्ट के दो अनुपात, पहले दो अनुपात को बराबर दिखाना है लास्ट के दो अनुपात। तो पहले दो अनुपात कौन कौन से, 8 और 24, और ये बराबर होगा अंतिम के दो अनुपात, मतलब 36 अनुपात x, यही होगा ना। अब इस बात का ध्यान देना, कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो ऐसे स्थिति में वाह पद का गुणनफल बराबर अंतः, तो 8 का गुणा x में कितना, 8x बराबर 24 का गुणा 36 में। देखिए 8 का गुणा x में 8x, अंदर का गुणा अंदर गुणा करेंगे तो 24 का गुणा किस में, 36 में। 8 गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा, तो 8 + 24 3 का गुणा 36 में हो जाएगा 108। अब इस पार्ट को देखिए, बहुत ही आसान हेडिंग था। चलिए अब मैं यहां से हेडिंग बढ़ा रहा हूं, आगे प्रश्न देने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंट्रोडक्टरी हेडिंग था। मैं यहां से एक हेडिंग ले रहा हूं, योग अंतर और गुणा पर प्रश्न। नेक्स्ट हेडिंग है योग अंतर और गुणा पर प्रश्न। अच्छा, योग अंतर और गुणा के जो प्रश्न होंगे ये मुख्य तीन केसेस में प्रश्न बनाए जाते हैं, मुख्य कितने, तीन अलग अलग केसेस में। तो अभी इसका मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूं। देखिए केस फर्स्ट जो होगा, जैसे इसमें हमने लिखा है क्या जोड़ा या घटाया जाए, क्या जोड़ा या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, मतलब क्या जोड़े या क्या घटाएं कि ये संख्याएं कैसी हो जाए, समानुपाती। अब संदर्भ को समझिएगा, संख्याएं समानुपाती, कोई संख्या समानुपाती कब होता है बताइए, कोई संख्या समानुपाती कब होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। मतलब जैसे ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो इसको क्या बोला जाता है, समानुपाती पद। और समानुपाती पदों में हम सभी जानते हैं वाह पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। बाहर का गुणा बाहर, ए का गुणा डी में ए डी बराबर अंदर का गुणा अंदर, बी का गुणा सी में कितना, ये कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, चलिए इस पर कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें गुणा का प्रश्न नहीं होगा, इसमें योग और अंतर ही होगा, क्या जोड़े
या क्या घटाएं। जैसे हमारा प्रश्न ये है कि संख्याएं संख्याएं 9, 12, 17 और 22 हमने आपसे पूछा कि इसके प्रत्येक पद में के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। अच्छा, मैं एक जानकारी यहां पर देना चाहूंगा, ऐसे प्रश्न को यदि हम डिटेल में हल करेंगे निःसंदेह टाइम टेकिंग होगा, समय ज्यादा लगेगा, नो डाउट। ऐसे प्रश्न को एक हल करने का जो सबसे केस फर्स्ट वाले प्रश्न को हल करने का जो सबसे सुटेबल मेथड होता है वो होता है अल्टरनेट मेथड। वो कौन सा मेथड होता है? अल्टरनेट, वैकल्पिक विधि। अब इस वैकल्पिक विधि पर यदि हम विचार करें तो सीरीज को, सेक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए, जैसे मैं ऑप्शन इसके लिए दे रहा हूं 2, बी ऑप्शन में हमने लिखा 3, सी ऑप्शन में लिखा 4 और डी ऑप्शन में हमने लिखा 5। हमसे पूछा गया था कि संख्या 9, 12, 17 और 22 इसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक मतलब चारों पद में कितना जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए। अच्छा, समानुपाती का मतलब ये होता है कि बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर यदि बराबर है तो समानुपाती है और बराबर नहीं है तो समानुपाती नहीं है। अच्छा, जैसे ये क्या समानुपाती है, जैसे चार पद है, यदि हम बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर गुणा करें तो देखिए यहां 9 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो इकाई 8 आएगा, 9 दुना 18, देखिए 9 दुना 18 इकाई 8 आएगा, लेकिन अंदर का गुणा अंदर गुणा करें तो 2 7 14 तब इकाई 4 हो जाएगा, मतलब बराबर तो नहीं है। अब हमें इसी चारों इसको क्या करना है, समानुपाती बनाना है। जैसे कि इसको 9, 12, 17 और 22 हमें इसको समानुपाती बनाना है। सवाल यह है कि समानुपाती बनाने के लिए इसके चारों पद में कितना जोड़ दें, क्योंकि अभी यह समानुपाती नहीं है, बाहर का गुणा बाहर अंदर का गुणा अंदर करिए बराबर नहीं है, कितना जोड़े। अच्छा देखिए, यदि मैं 2 जोड़ूं तो यह गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, चूंकि प्रत्येक पद में जोड़ना है ना, 22 में जब 2 जोड़ेंगे तो 24। अच्छा, अब बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर गुणा करें तो यहां बाहर का गुणा बाहर गुणा करेंगे तो इकाई 4 आएगा, 1 चौके 4, लेकिन अंदर का गुणा अंदर गुणा करेंगे तो 4 नवा 36, इकाई कितना आएगा 6। कहने का मतलब ये तो बराबर नहीं है। अब ऑप्शन बी ले और बी पर विचार करें तो देखिए यहां भी 3 जोड़े, इधर भी 3 जोड़े, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो देखिए कितना हो रहा है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 और 22 में 3 जोड़ेंगे 25। अच्छा, ये समानुपाती हो जाए, समानुपाती मतलब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, मतलब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, और जब समानुपाती होगा तो बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर ये गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। तो यदि हम बाहर का गुणा बाहर गुणा करें, जैसे 12 का गुणा 25 में यदि गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा 300, और अंदर का गुणा अंदर गुणा करें तो 15 का गुणा 20 में ये भी कितना हो जाएगा 300, मतलब ये समानुपाती हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो ऑप्शन से हल करने पर ये सुटेबल होगा, अच्छा मेथड होगा, लेकिन इसी सवाल को हमें डिटेल में हल करना हो, मान लिया ऑप्शन विधि नहीं फॉलो करें, देखिए दो ही तरीके हैं ही, या तो आप डिटेल में जाके हल करिए, और डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन तरीका है, बाकी तीसरा कोई ट्रिक नहीं है इसका। चलिए मैं इसको हल करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन सलाह मेरा यही होगा कि आप इसको ऑप्शन से ही हल करेंगे। जैसे इसमें पूछा है कि इसके प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए, हमने माना प्रत्येक पद में
एक्स जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, एक्स। अच्छा क्यों जोड़े, ताकि ये क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। अच्छा समानुपाती मतलब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो यहां पर ए है 9 और इसमें एक्स जोड़ना है, और ए अनुपात कितना बी, और बी का मान 12 है, यहां भी एक्स जोड़े क्योंकि समानुपाती बना रहे हैं, तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, और सी का मान 17 है, यहां भी जोड़ना है एक्स, और अनुपात डी, डी का मान 22 है, यहां भी जोड़ना है एक्स। अब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हुआ, ऐसी स्थिति में वाह पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब ए डी बराबर बी सी। तो चलिए हम बाहर का गुणा किधर गुणा करें, बाहर, और ये अंदर का गुणा कहां गुणा करें, अंदर, मतलब 9 प्लस एक्स, इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में गुणा करना है, मतलब 9 प्लस एक्स का गुणा करना है हमें किसमें, 22 प्लस एक्स में, और बराबर अंदर का गुणा अंदर, अंदर क्या है, ये 12 प्लस एक्स है, और 12 प्लस एक्स का गुणा करना है इस ब्रैकेट के साथ, मतलब किसके साथ, 17 प्लस एक्स। अब देखिए बहुपदी व्यंजक का गुणा कैसे करते हैं, पहले 9 का गुणा हम 22 में भी गुणा करेंगे और 9 का गुणा एक्स में भी, तो 9 का गुणा जब 22 में गुणा करें तो 198 आएगा, है ना, और 9 का गुणा जब एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस कितना आएगा, 9x। अभी केवल 9 का गुणा हमने दोनों में गुणा किया, अब एक्स का भी गुणा दोनों में गुणा करना है, पहले एक्स का गुणा 22 में भी और एक्स का गुणा एक्स में भी, तो एक्स का गुणा 22 में कितना आएगा, 22x, और प्लस एक्स का गुणा एक्स में कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर। देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है। अब इसी तरीके से यहां भी 12 का गुणा 17 में भी और 12 का गुणा एक्स में भी, तो 12 का गुणा 17 में, 17 दुना 34 3, 17 का 17 204 आ जाएगा, और 12 का गुणा एक्स में कितना आएगा, 12x। अब इसी तरीके से इस एक्स का गुणा 17 में भी और एक्स का गुणा एक्स में भी, तो एक्स का गुणा 17 में कितना आएगा, 17x, और ये एक्स का गुणा एक्स में कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए 9x और 22x जोड़ लीजिए, और ये 12x और 17x जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद x को x के तरफ कर दीजिए, जैसे 9x और 22x यदि जोड़े तो 31x आएगा, कितना आएगा, 31x, और ये 12x और 17x जोड़ेंगे तो 29x आएगा, और ये वाला 29x जब बाई तरफ आएगा तो इसमें से 29x घट जाएगा। अब संख्या को संख्या के तरफ कर दीजिए, तो वहां 204 था ही, और जब ये 198 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 31x में 29x घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए अब यहां देख लीजिएगा, 31x में 29x घटाएंगे तो 2x आएगा, और बराबर 204 में 198 घटाएंगे 6 आएगा, तो 2 गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना गया, 3। मतलब इस प्रोसेस में समय लगेगा, हालांकि कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन कैलकुलेशन की प्रोसेस लंबी है, और बेटर तो यही था कि ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से हल कर ले। जैसे मैं एक सवाल और ले रहा हूं, आप उसको ऑप्शन से ट्राई करने का प्रयास करिएगा, मैं एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं। देखिए हमारा प्रश्न ये है कि संख्याएं उनतीस, 19, 14 और 10, हमने आपसे पूछा कि इसके प्रत्येक पद में से कितना घटा दिया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। चलिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं इसके लिए, ऑप्शन हमने वही लिखा 2, 3, 4 और 5। अब बात समझिएगा, संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं दिया है
उनतीस, उन्नीस, चौदह और दस। अब सवाल यह है कि इसके चारों पद में से कितना घटा दें, किस समानुपाती हो जाए, क्योंकि अभी तो समानुपाती नहीं है, क्योंकि यदि हम बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर गुणा करें तो यहां बाहर का गुणा बाहर गुणा करेंगे तो इकाई जीरो हो जाएगा, और अंदर का गुणा अंदर गुणा करेंगे तो नौ चौके छत्तीस, इकाई छह हो जाएगा। पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, केवल इकाई इकाई देख के चेक कर सकते हैं। अब यहां देखिए सवाल यह है कि चारों पद में कितना घटाएं कि यह समानुपाती हो जाए, पहले में से भी, दूसरे में से भी, तीसरे में से भी और चौथे में से भी कितना घटाएं। अब पहला ऑप्शन दो लिखा है, यहां तीन लिखा है, यहां चार और यहां पांच, मेरे ख्याल से चार आएगा। चलिए मैं चेक कर ले रहा हूं, मैं ऑप्शन सी ले रहा हूं, बाकी आप बारी बारी से चेक कर ही सकते हैं। उनतीस में चार घटाएंगे तो पच्चीस आ जाएगा, उन्नीस में चार घटाएंगे तो पंद्रह आ जाएगा, चौदह में चार घटाएंगे तो दस आ जाएगा, दस में चार घटाएंगे छह। अब ये समानुपाती हो जाए, मतलब ए अनुपात बी बराबर हो जाए सी अनुपात डी, तभी तो समानुपाती होगा। और यदि समानुपाती है तो बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर बराबर आना चाहिए, तो पच्चीस का गुणा छह में करेंगे गुणा तो डेढ़ सौ आएगा, और पंद्रह का गुणा दस में गुणा करेंगे तो यहां भी कितना आएगा, डेढ़ सौ। मतलब प्रत्येक पद में कितना घटा दे, चार। इस सीरीज को आपने देखा, इसमें जो मैंने कहा कि जब योग अंतर और गुणा के प्रश्न होगा, हालांकि केस फर्स्ट में केवल योग अंतर का ही प्रश्न बनेगा, केस सेकंड में और थर्ड में ये लगभग स्ट्रक्चर समान से है, तो अगले क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगा और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।